बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक दफ़ा फिर बायोलॉजी की क्लास के लिए आपको खुश आमदीद जी स्टूडेंट्स। तो कल हमने डिस्कस किया था लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को, किस तरह लिविंग थिंग्स की जो बॉडीज हैं वो वजूद में आती हैं। स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था कि ऐसी क्वेश्चंस इंसानों के जहनों में पहले से मौजूद थे जिसने उनको हैरान किया था कि लिविंग थिंग्स की जो बॉडीज हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बड़े बड़े प्लांट्स हैं, एनिमल्स सारे हैं, तो ये किस तरह बनते हैं। तो उस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, तब जाकर उनको पता चल गया रिसर्चेस से, स्टडी से, कि लिविंग थिंग्स की जो बॉडीज हैं वो किस तरह बन गई है। तो वो लेवल हमने स्टार्ट किया सब एटॉमिक पार्टिकल से। सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, फिर वो एटम्स बनाते हैं, फिर एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स दो किस्म के हैं, माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, कम होता है, और मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। फिर मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड्स बनाते हैं। कंपाउंड जो है वो दो किस्म के हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है जो डेरिवेटिव्स हैं जिसमें जो है हाइड्रोकार्बन मौजूद हो, और इनऑर्गेनिक वो है जिसमें हाइड्रोकार्बन ना हो, एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स के अलावा सारे कंपाउंड है वो क्या है, वो ऑर्गेनिक है। तो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक है या फिर इनऑर्गेनिक है वो मिलकर सेल के सब सेलुलर पार्ट्स जिसको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं वो ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। लिविंग थिंग्स की जितनी भी बॉडी है वो 16 किस्म के डिफरेंट एलिमेंट्स से बनी है जिसको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। उनमें से फिर 6 एलिमेंट्स 99% बॉडी का वेट बनाते हैं, और बाकी जो 10 एलिमेंट्स हैं वो लेस देन 1% ऑफ द बॉडी वेट बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं। फिर कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक है या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो एग्रीगेट होकर वो ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। अब ऑर्गेनेल्स क्या है, बायो मॉलिक्यूल्स असेंबल और कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेनेल। पेज नंबर 14 पे ऑर्गेनेल्स बनाते हैं विच आर स्पेसिफिक इन पैटर्न। एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, कल हमने डिस्कस किया था पावर हाउस ऑफ द सेल है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। जो हम खुराक खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में चला जाता है, और फिर ब्लड में से कुछ जो है वो इस्तेमाल हो जाता है सेल्स के अंदर। सेल्स में सब सेलुलर पार्ट्स है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, तो उसमें उस खुराक का ब्रेकडाउन शुरू होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसके इन मेम्ब्रेन्स में खुराक की ब्रेकडाउन होती है, और उससे फिर हमें एनर्जी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, जो हम इसको एनर्जी की करेंसी कहते हैं, हम एनर्जी लिविंग थिंग्स में उस फॉर्म में काउंट करते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है, तो ये बनता है बायो, ये जो है कंपाउंड से बनता है। बायो मॉलिक्यूल्स स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, कल हमने डिस्कस किया था बॉन्ड्स उसमें बनते हैं और फिर वो स्टेबल हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स, फिर ऑर्गेनल्स, फिर ऑर्गेनल्स के बाद बनता है सेल। अब डिफरेंट जो ऑर्गेनल्स है, जिस तरह हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम कंबाइन होते हैं तो वो एक कंप्लीट बॉडी बनाते हैं, या फिर डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें माउथ है, माउथ के अंदर फिर सब पार्ट्स है, फिर उसमें फूड पाइप है, उसमें स्टमक है, उसमें इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसमें ग्लैंड्स है जैसे लीवर, पैंक्रियास, एक पूरा सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। इसी तरह किसी सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स कंबाइन होते हैं, और फिर उन ऑर्गेनेल्स की कॉम्बिनेशन से एक पूरा सेल वजूद में आता है। तो सेल क्या है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब लिविंग थिंग्स की जो बॉडीज है वो सेल्स से बनी है, कोई ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर होगा या मल्टी सेलुलर होगा, लेकिन उसकी बॉडी हमेशा सेल ही से बनती है। सेल्स कंसिस्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, राइबोसोम, एटसेट्रा एटसेट्रा, सो मेनी अदर ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि कंबाइन होकर एक सेल बनाते हैं, एंड हैविंग स्पेसिफिक फंक्शंस इनसाइड द सेल।
हर एक ऑर्गेनेल का सेल के अंदर एक स्पेसिफिक जॉब, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी देता है, गोल्जी बॉडी जो है वो सब्सटेंसेस बनाता है, उसकी सिक्रीशन भी करता है. इसके अलावा लाइसोसोम है तो वो डाइजेशन का काम करता है, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. तो ये सारे सेल में ऑर्गेनेल्स के डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं. अब इस लिहाज से, नंबर ऑफ सेल के लिहाज से, हमारे पास दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स बनते हैं. कितने किस्म के? दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स बनते हैं. एक को हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. वो ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने होते हैं उनको हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, प्लाज्मोडियम है, डिफरेंट जो है फंजाई है, तो ये यूनिसेल्यूलर है. इसके अलावा मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो मोर देन वन सेल से बने होते हैं उनको हम मल्टीसेल्यूलर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट फंजाई है जैसे मशरूम है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो ये सारे मल्टीसेल्यूलर हैं. अच्छा, ये मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, और ये कोई ऑर्गेनेल जैसे कि राइबोसोम है और उसका काम है प्रोटीन फॉर्मेशन, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी अपैरेटस है, तो ये उसका स्ट्रक्चर है. डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है यूनिट्स में पढ़ोगे. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लेवल 5, जिसको हम कहते हैं टिश्यू लेवल. टिश्यू को उर्दू में बास्ट कहते हैं. टिश्यू की डिफिनीशन क्या है? स्टेप बाय स्टेप हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं. तो इससे पहले लेवल था सेल. अब सेल्स जो है वो एक किस्म के, मतलब एक जैसे सेल जिनका शेप, जिसमें जिनमें प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स वो सेम हो, साइज वगैरह सेम हो, तो वो सेम सेल्स कंबाइन होते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं. डिफिनीशन क्या होगी? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स का ग्रुप. सिमिलर का मतलब यहाँ पर है जिनका साइज, शेप और उनमें ऑर्गेनेल्स जो है वो सेम हो. अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड, मखसूस होता है. किस लिए? टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, एक खास फंक्शन, एक खास जॉब, एक खास एक्टिविटी के लिए वो स्पेशलाइज होते हैं. जिस तरह बॉडी में हर एक पार्ट का स्पेसिफिक फंक्शन है. फॉर एग्जांपल नोज से हम स्मेल करते हैं किसी चीज को, कानों से हम सुनते हैं, आईज से हम चीजों को देखते हैं, तो हम देखने का काम कानों से नहीं ले सकते. तो इसी तरह हर एक सेल जो है एक खास फंक्शन परफॉर्म करता है और वो उस खास फंक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है. तो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, एक कॉमन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ईच सेल इन द टिश्यू कैरीज ऑन इट्स ओन लाइफ प्रोसेस. हर एक सेल का टिश्यू के अंदर जितनी भी सेल्स हैं उनका खास स्पेसिफिक जॉब होता है, कोई खास प्रोसेस परफॉर्म करता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सेल है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, तो उस माइटोकॉन्ड्रिया का काम होगा रिस्पायरेशन में मदद देना. रिस्पायरेशन का मतलब है सांस लेना. सांस लेने के बाद जो है हमें एनर्जी मिलती है, कि आप डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेवल में पढ़ोगे. तो हमें जो है एनर्जी मिलती है. अब एनर्जी की प्रोडक्शन का काम माइटोकॉन्ड्रिया का है. नेक्स्ट जो है प्रोटीन सिंथेसिस. उस सेल में दूसरा ऑर्गेनेल वो राइबोसोम है, तो राइबोसोम का काम होगा प्रोटीन सिंथेसिस. इसके अलावा डिफरेंट अदर ऑर्गेनेल्स होते हैं और हर एक का स्पेसिफिक जॉब, स्पेसिफिक फंक्शन होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट्स में एग्जांपल ले लें, प्लांट्स में मीजोफिल टिश्यूज जो है प्लांट्स में, सपोज हम लीफ लेते हैं, कोई हम पत्ता लेते हैं प्लांट्स में, उस लीफ में सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको हम क्यूटिकल कहते हैं, और क्यूटिकल के बाद जो है एक लेयर ऑफ सेल होता है, उस सेल को हम कहते हैं मीजोफिल टिश्यूज. वो मीजोफिल टिश्यूज है और उसमें सेल्स मौजूद है. तो प्लांट्स में मीजोफिल टिश्यूज मौजूद है जो कि सेल्स से बने होते हैं, एक किस्म के, एक जैसी सेल्स है, साइज शेप के लिहाज से सेम होते हैं, विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. उनका काम है फोटोसिंथेसिस करना, लाइट कैप्चर करना और ग्लूकोज फॉर्म करना, ग्लूकोज प्रोड्यूस करना, ग्लूकोज बनाना. तो ये मीजोफिल टिश्यूज का काम है. उन टिश्यूज में जितनी भी सेल्स हैं उनका साइज, शेप और फंक्शन सेम होता है. एनिमल्स में अगर हम बात करें, एनिमल्स में ग्लैंडुलर टिश्यूज प्रोड्यूस सेक्रीशन. ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड जो है
हम कहते हैं सेल्स है या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स है या फिर कुछ टिश्यूज है या फिर ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में जो कि खास किस्म के केमिकल्स वो प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम सिक्रीशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल एंजाइम्स है या फिर हार्मोन्स है, तो ये ग्लैंड्स में बनते हैं, हदूद इसको उर्दू में कहते हैं। तो एनिमल्स में ग्लैंडुलर टिश्यूज खास टिश्यूज है और उनका काम है सिक्रीशन प्रोड्यूस करना। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जब हम खुराक हम कोई भी चीज खाते हैं तो वो स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होता है। अब स्टमक में स्पेशल किस्म के टिश्यूज हैं, उनको हम ग्लैंडुलर टिश्यूज कहते हैं और वो एंजाइम एचसीएल वगैरह सिक्रीट करते हैं, तो उसके बाद डाइजेशन का काम शुरू हो जाता है। तो ग्लैंडुलर टिश्यूज का काम है सिक्रीशन प्रोड्यूस करना और मुख्तलिफ फंक्शन में मदद देना। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स की, इससे पहले हमने बात की प्लांट्स में लीफ की अगर हम बात करें तो उसमें मेसोफिल टिश्यूज हैं, तो ये प्लांट का लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है, छोटा सा पार्ट। अगर हम उसको उसका ट्रांसवर्स सेक्शन ले लें और उसको हम माइक्रोस्कोप में देखें हम इस तरह नजर आएगा, ये मेसोफिल टिश्यूज है सारे, ये ग्रीन टिश्यूज हैं और इन ग्रीन टिश्यूज का काम होता है सनलाइट को कैप्चर करना, सूरज की जो रोशनी जो शुआएं हैं उनको पकड़ना कैप्चर करना और फिर उनकी मौजूदगी में ग्लूकोज बनाना, तो ये मेसोफिल टिश्यूज का काम है। नेक्स्ट जो है एनिमल्स में हमने बात की ग्लैंडुलर टिश्यूज के मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ ऑर्गन्स में है, फॉर एग्जांपल स्टमक में है ग्लैंडुलर टिश्यूज, दूसरे ऑर्गन्स में भी है लेकिन स्टमक की हमने एग्जांपल ले ली। तो ये स्टमक का इंटरनल जो है क्रॉस सेक्शन में इंटरनल उसका स्ट्रक्चर है, ये टिश्यूज है और डिफरेंट ये सेल्स है, जैसे सेल्स आपको नजर आ रहे हैं सेम टाइप ऑफ सेल्स से बने हैं और इनका काम है सिक्रीशन प्रोड्यूस करना। वो सिक्रीशंस वो सपोज एंजाइम्स हैं, जैसे प्रोटीन अगर हम कोई चीज खाते हैं और उसमें प्रोटीन्स हैं तो प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए एंजाइम रिलीज करता है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करता है या फिर एचसीएल प्रोड्यूस करते हैं, तो ये सारी चीजें सिक्रीशंस हैं जो कि इन सेल से बाहर निकलते हैं, इनमें प्रोड्यूस होते हैं बनते हैं और वो फिर इनसे बाहर रिलीज होते हैं, तो स्टमक में उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन स्पेसिफिक जॉब होगा। तो ये डिफरेंट किस्म के प्लांट्स या एनिमल्स के टिश्यूज हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टिश्यूज जैसे कि मस्कुलर टिश्यूज हैं, हमारे मसल्स हैं, तो वो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन करते हैं और फिर वो बॉडी के किसी पार्ट में या फिर एंटायर बॉडी की मूवमेंट में मदद देते हैं। तो बहुत सारे और भी टिश्यूज मौजूद हैं लेकिन उसकी ये एग्जांपल्स, जैसे प्लांट्स में मेसोफिल टिश्यूज हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं और एनिमल्स में ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं जो कि सिक्रीशंस का काम करते हैं। तो ये टिश्यूज की एग्जांपल और सारे मतलब किसी भी टिश्यू में जितने भी सेल्स होते हैं वो हमेशा सेम इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होते हैं, तो ये उसकी खासियत होगी। अच्छा नेक्स्ट जो है हमारे पास लेवल 6 ऑर्गन लेवल। ऑर्गन ऑर्गन बॉडी का एक पार्ट है, फॉर एग्जांपल आईज हमारी ये ऑर्गन्स है, हैंड जो है हाथ ये ऑर्गन है, स्टोमक एक ऑर्गन है, आई एक ऑर्गन है, नोज एक ऑर्गन है, माउथ एक ऑर्गन है। तो डिफरेंट किस्म के जो ऑर्गन्स हैं किस तरह बनते हैं, टिश्यूज आपस में कंबाइन होते हैं, एक से ज्यादा किस्म के टिश्यूज मतलब डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टुगेदर एग्रीगेट होते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, जमा हो जाते हैं और उनकी एग्रीगेशन से उनकी कॉम्बिनेशन से बनता है एक ऑर्गन, बॉडी का कोई पार्ट कोई कंप्लीट पार्ट बनता है। डेफिनेशन क्या होगी ऑर्गन की, मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज, एक से ज्यादा किस्म के टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस। टिश्यूज तो एक से ज्यादा टाइप मतलब 2, 3, 4, 5 टाइप्स के टिश्यूज होते हैं ऑर्गन में, लेकिन सबका फंक्शन क्या होगा वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जैसे कि माउथ है, उसमें टीथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, तो डिफरेंट उसमें पर अलग टिश्यूज होते हैं लेकिन सबका फंक्शन सेम होगा, रिलेटेड होगा खुराक की डाइजेशन करना। स्टमक है हमारा, तो उसमें डिफरेंट किस्म के टिश्यूज होते हैं लेकिन हर एक टिश्यू का काम होता है
खुराक की डाइजेशन में मदद करना। तो उनके जो जॉब्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। सो मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर, ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर वो कंबाइन हो जाते हैं एंड फॉर्म एन ऑर्गन, और उनसे एक ऑर्गन एक बॉडी का पार्ट बन जाता है। ऑर्गन की खासियत क्या होगी, डिफरेंट टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन में डिफरेंट जो टिश्यूज हैं परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस, वो खास फंक्शंस परफॉर्म करते हैं एंड दीज फंक्शंस कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ डेड ऑर्गन। और जो अलग अलग टिश्यूज फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, तो उन टिश्यूज की जो फंक्शंस हैं उनसे कंप्लीट एक ऑर्गन का फंक्शन वाजे होता है। अच्छा, तो सपोज हम फर्ज करते हैं हमारा स्टमक है, स्टमक में डिफरेंट लेयर्स होते हैं, डिफरेंट टिश्यूज में होते हैं, और उन टिश्यूज में डिफरेंट जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन सबका एक ही टास्क होगा, एक ही गोल होगा, खुराक की डाइजेशन करना। तो हर एक टिश्यू का जो इंडिविजुअल फंक्शन है वो किस लिए होता है, वो कलेक्टिवली उस ऑर्गन के फंक्शंस को वाजह करता है। डिफरेंट टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस एंड दीज फंक्शंस कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ डेड ऑर्गन, और इन फंक्शन से हमें किसी भी ऑर्गन का फंक्शन वाजह होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक इज मेड अप ऑफ सेल्स, कौन कौन से सेल्स हैं, एपिथेलियल टिश्यूज, स्टमक जो है वो एपिथेलियल टिश्यू से बना है हमारा स्टमक, और एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है सीक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस, एपिथेलियल टिश्यू जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रीट करता है। गैस्ट्रिक जूसेस क्या है, गैस्ट्रिक जूसेस ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एंजाइम होता है, और वो खुराक में प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स वगैरह की डाइजेशन करता है। तो प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स की डाइजेशन ये गैस्ट्रिक जूस का काम होता है, और उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू, स्टमक का दूसरा जो पार्ट है, दूसरी किस्म का टिश्यू है उसको हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज मसल्स। खुशहाल कैमरा ऑफ करो। मस्कुलर टिश्यूज क्या है, मसल्स, मसल्स दीज आर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, दे आर स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज, उनका काम क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन करना। मोमेना कलीम टर्न ऑफ योर कैमरा प्लीज। मस्कुलर टिश्यूज मसल्स स्पेसिफिक किस्म के टिश्यूज हैं जो कि इलोंगेटेड सेल्स से बने होते हैं, और उनका काम है कॉन्ट्रेक्शन करना, रिलैक्सेशन करना, और बॉडी में किसी पार्ट में किसी ऑर्गन में मूवमेंट प्रोड्यूस करना। तो ये मसल्स का काम है। अब स्टमक में मस्कुलर टिश्यूज क्या है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द स्टमक वॉल्स, स्टमक वॉल्स की। मोमेना समझ नहीं आती आपको, कैमरा बंद करो। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्टमक वॉल्स करता है मस्कुलर टिश्यूज, स्टमक के जो लेयर्स हैं, जो लाइनिंग है उनकी कॉन्ट्रेक्शन करता है फॉर ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। ग्राइंडिंग का मतलब है खुराक को स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट करना, जिस तरह हम खुराक चबाते हैं दांतों से, तो ये ग्राइंडिंग है। तो इसी तरह स्टमक के जो मसल्स हैं जिसको हम मस्कुलर टिश्यूज कहते हैं, उन टिश्यूज में जब ये खुराक स्टमक में पहुंच जाता है तो वो टिश्यूज स्क्वीज करते हैं उस खुराक को, उसकी ग्राइंडिंग शुरू करते हैं। तो वो ग्राइंडिंग स्टमक के वॉल्स की मूवमेंट की वजह से होती है, और मूवमेंट उसको प्रोवाइड करता है मस्कुलर टिश्यूज फॉर ग्राइंडिंग अप द फूड एंड इट्स मिक्सिंग विद एंजाइम। जब खुराक जो है स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो एंजाइम्स के साथ आसानी के साथ मिक्स हो जाता है, जिस तरह हम कोई भी चीज
खुराक जब हम सपोज कोई चीज खाते हैं उसको हम चबाते हैं दांतों की मदद से, तो वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होता है, फिर सलाइवा के साथ आसानी के साथ जल्दी मिक्स हो जाता है और उसको निगलने में आसानी होती है। तो इसी तरह स्टमक को भी खुराक की डाइजेशन में फिर आसानी होती है, तो स्टमक के मसल्स उसको ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं और फिर उस ग्राइंडेड खुराक का एंजाइम्स के साथ मिक्स होना आसान हो जाता है। तो स्टोमक दो किस्म के टिश्यू से बना है, एपिथेलियल टिश्यू जो कि गैस्ट्रिक जूस या जिसको हम एंजाइम्स कहते हैं उनकी सिक्रीशन करता है, और मस्कुलर टिश्यू जो कि फूड की ग्राइंडिंग करता है बाय इट्स मूवमेंट। दो किस्म के टिश्यूज है लेकिन इनके जो जॉब्स हैं वो रिलेटेड होते हैं, दोनों का फंक्शन होता है खुराक की डाइजेशन करना। तो इनके जो जॉब्स है वो क्या है, वो आपस में रिलेटेड है और ये स्टमक हमारा डिफरेंट टिश्यू से बना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन उसको हम एक ऑर्गन कहते हैं, जैसे स्टमक है, आई है, नोज है, ईयर्स है, बहुत सारे अदर ऑर्गन है जैसे हार्ट है, उसमें डिफरेंट टिश्यूज है लेकिन सबका काम सेम होता है। अच्छा, ये हमारा स्टमक है और स्टमक में एक छोटे से पार्ट से ये इसको इनलार्ज किया है और इसमें ये मसल्स है, इसको हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। इन मसल्स का काम है कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन करना और ये जो स्टमक के वॉल्स हैं वो मूवमेंट करते हैं और इन वॉल्स की मूवमेंट से खुराक जो है वो उसकी क्रशिंग ग्राइंडिंग होती है और फिर ग्राइंडिंग के बाद वो सलाइव सॉरी एंजाइम्स के साथ आसानी के साथ जल्दी मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट स्टमक में दूसरा लेयर ग्लैंडुलर टिश्यूज का है जो कि इससे पहले भी हमने डिस्कस किया और इनका काम होता है सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करना, केमिकल्स को प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट हमारे पास लेवल 6 है। बॉडी में डिफरेंट किस्म के ऑर्गन है जैसे स्टमक है, माउथ है, आईज है, लीवर है, पैंक्रियास है, इंटेस्टाइन है, हार्ट है, तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और वो ऑर्गन जो है वो अपनी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेवल 6 है, उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या है, तरतीब से हम चल रहे हैं, लेवल 5 में हमने पढ़ा ऑर्गन। अब बॉडी में डिफरेंट किस्म के डिफरेंट बहुत सारे ऑर्गन्स आजा मौजूद हैं और उन ऑर्गन्स की कॉम्बिनेशन से एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन का निजाम बनता है। अब ऑर्गन सिस्टम क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस, मुख्तलिफ ऑर्गन जिस तरह हमने टिश्यूज में पढ़ा के ऑर्गन में पढ़ा के डिफरेंट जो है टिश्यूज है तो वो ऑर्गन्स बनाते हैं, तो इसी तरह ऑर्गन सिस्टम में भी डिफरेंट ऑर्गन्स मुख्तलिफ ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होते हैं परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस, एक दूसरे के साथ उनके फंक्शंस रिलेटेड होते हैं, आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, उनकी ऑर्गेनाइजेशन से एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम की खासियत क्या होगी, इन एन ऑर्गन सिस्टम किसी भी ऑर्गन के सिस्टम में निजाम में, सिस्टम क्या है, सिस्टम मींस कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, यहां पर हम डिफरेंट पार्ट्स कह सकते हैं, उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा उसको हम सिस्टम कहते हैं, एक निजाम जो कि बॉडी में मौजूद है। इन एन ऑर्गन सिस्टम ईच ऑर्गन कैरीज आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन, हर एक ऑर्गन सिस्टम में हर एक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, एंड द फंक्शंस ऑफ ऑल द ऑर्गन्स अपीयर इज द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम, जितने भी ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन्स होते हैं उनका स्पेसिफिक अपना अपना एक खास फंक्शन होता है और उनके कंबाइंड फंक्शन से हमें ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन हमें समझ में आता है, हमें वाजे हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ, बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन होती है, खून जो है ब्लड बॉडी में सर्कुलेट होता है, चक्कर लगाता है, साफ खून पूरे पार्ट्स को सब पार्ट्स को मिलता है और जो इम्प्योर ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस हार्ट में आता है। तो ये ब्लड की सर्कुलेशन ये एक सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ, इनमें इस सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें एक ऑर्गन हार्ट है, हार्ट दिल जो कि पंपिंग ऑफ द ब्लड करता है, ब्लड को पंप करता है, पुश करता है ब्लड वेसल्स में। दूसरा पार्ट क्या होगा, इसमें ब्लड के वेसल्स हैं, खून की नालियां या खून की रगें होती है,
ब्लड वेसल्स क्या काम करते हैं, हार्ट जो है पंपिंग ऑर्गन है, ये ब्लड को पंप कर रहा है, और ब्लड वेसल्स उसमें है आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. तो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज ये अलग किस्म के ऑर्गन्स है और हार्ट अलग एक ऑर्गन है इन विच ब्लड फ्लोस. हार्ट, जिस ब्लड को हार्ट पंप करता है वो हार्ट चला जाता है आर्टरीज में, वेन्स में या फिर कैपिलरीज में और उसमें फ्लो करता है. इस ब्लड में न्यूट्रिएंट्स, खुराक के अज्जा भी होते हैं, इनमें ऑक्सीजन भी होता है, उस ब्लड में वेस्ट मटेरियल भी होते हैं, इसमें बहुत सारे एंजाइम या केमिकल्स अदर जो है हॉर्मोन्स भी होते हैं. तो ट्रांसपोर्ट का काम फिर ये ब्लड करता है. तो ब्लड की सर्कुलेशन का काम ये हार्ट और ब्लड वेसल्स करता है और ये कलेक्टिवली ऑर्गन सिस्टम बनाता है. इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं. इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डिफरेंट उसमें ऑर्गन्स हैं. इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डिफरेंट जो है सिस्टम मौजूद है और वो इसी तरह डिफरेंट ऑर्गन्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं. नोट, ये तो एनिमल्स की बात हो गई. नेक्स्ट अहम बात क्या है, द ऑर्गन सिस्टम लेवल इज लेस डेवलप्ड इन प्लांट्स. प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल लेस डेवलप्ड होता है. प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल एनिमल्स की तरह वेल डेवलप नहीं होता. जिस तरह एनिमल्स में हर एक फंक्शन के लिए डिफरेंट जो है सिस्टम होते हैं, तो प्लांट्स में इसी तरह वेल डेवलप सिस्टम नहीं पाए जाते. जैसे नर्वस सिस्टम प्लांट्स में वेल डेवलप नहीं होता लेकिन एनिमल्स में वेल डेवलप होता है, तो प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है नॉट वेल डेवलप. सपोज ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ये लंग्स होते हैं जिसमें ब्लड की ऑक्सीजनेशन होती है, ब्लड जो है वो साफ हो जाता है. ये दरमियान में हार्ट है, एक साइड पे ये प्योर ब्लड और ये ब्लू कलर वाला ये इम्प्योर ब्लड होता है. तो एक ऑर्गन हार्ट है, हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है. अगर प्योर ब्लड है तो वो बॉडी के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर इम्प्योर ब्लड है तो वो लंग्स की तरफ जाएगा. तो हार्ट हुआ, ब्लड वेसल्स हैं जिसमें ये रेड कलर के ये और आर्टरीज हैं. आर्टरीज में मोस्टली इनमें प्योर ब्लड साफ खून होता है, एक्सेप्ट कुछ आर्टरीज ऐसे हैं जो आप डिटेल में पढ़ोगे जिसको हम पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं, उसमें इम्प्योर ब्लड, बाकी सारे आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है. नेक्स्ट जो है वेन्स है, ये ब्लू कलर वाले ही वेन्स है, वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है और ये स्मॉलर आपको छोटी छोटी ब्रांचेस आपको नजर आ रहे हैं जिनको हम कहते हैं कैपिलरीज. तो आर्टरीज और वेन्स का डायमीटर ज्यादा होता है, बट कैपिलरीज आर स्मॉलर देन आर्टरीज एंड वेन्स. तो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और उसके साथ साथ हार्ट, ये कलेक्टिवली बनाते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. और इस सिस्टम का काम होगा ब्लड की सर्कुलेशन करना, खून को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर खून बॉडी से वापस कलेक्ट करना. तो इसमें हर एक पार्ट का एक खास अलग स्पेसिफिक जॉब होता है, लेकिन सबके जॉब जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. नेक्स्ट हमारे पास लेवल एट है. लेवल एट जो के लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हाई लेवल है. लेवल एट ऑर्गेनिज्म लेवल. ऑर्गेनिज्म मींस इंडिविजुअल. इंडिविजुअल मींस एक कंप्लीट बॉडी, एक कंप्लीट जानदार. ऑर्गेनिज्म लेवल क्या है, जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होते हैं तो उनकी कॉम्बिनेशन से एक पूरा वजूद बन जाता है, एक पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बन जाती है. फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल मतलब फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग. डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन होते हैं तो उनकी कॉम्बिनेशन से, उनकी ऑर्गेनाइजेशन से एक पूरा ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स में रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, वो कंबाइन होते हैं तो उनसे
प्लांट की बॉडी बन जाती है। इसके अलावा एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट एनिमल की बॉडी बन जाती है। इन ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिजम्स में वेरियस ऑर्गन्स, डिफरेंट जो है ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज इन सच अ वे, इस तरीके से ऐसे ऑर्गेनाइज होते हैं दैट ऑल द लाइफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड। किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ऐसे अंदाज में जिससे लाइफ रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं, वो परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल इन मैन, इंसान में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड की सर्कुलेशन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सांस लेने में मदद देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम खुराक की डाइजेशन करता है, इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, डिफरेंट किस्म के अलग सिस्टम और भी हैं, दे आर कोऑर्डिनेटेड टुगेदर, ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और एक ऑर्गेनिज्म, एक इंसान की बॉडी बन जाती है। सिमिलरली इन प्लांट्स, प्लांट्स में रूट एंड शूट सिस्टम, रूट्स जड़, डेट लाई बिलो द ग्राउंड एंड शूट सिस्टम, शूट सिस्टम स्टेम की बात करते हैं, शूट, शूट का मतलब है स्टेम विच ग्रोस अपवर्ड टुवर्ड्स सनलाइट अवे फ्रॉम द सॉइल, उसमें ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्रूट्स उसमें लगते हैं, उसमें फ्लावर्स होते हैं। तो रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम प्लांट्स में मेक द कंप्लीट प्लांट बॉडी, ये एक प्लांट की कंप्लीट बॉडी बनाता है। सपोज ये ह्यूमन की बॉडी है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स आपको नजर आ रहे हैं और डिफरेंट ये सिस्टम आपको नजर आ रहे हैं, तो इन सब सिस्टम की कम्बिनेशन से एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बन जाती है। सिमिलरली प्लांट्स में ये शूट सिस्टम है, इसमें लीफ है, इसमें स्टेम है, इसमें ब्रांचेस है, इसके अलावा सॉरी रूट सिस्टम, रूट सिस्टम में ये सारे जो है रूट्स हैं, ये जमीन के अंदर फैल जाते हैं और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स स्टार्ट करता है। तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम प्लांट्स में ये क्या करता है, ये बनाता है एक कंप्लीट प्लांट की बॉडी। तो इस तरह एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म वजूद में आ जाता है और फिर उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं या फिर जितने भी सिस्टम होते हैं वो सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, वो खुराक की डाइजेशन करेगा और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करेगा, वो उस डाइजेस्टेड खुराक को डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सिमिलरली एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो जो एक्सेस या वेस्ट सब्सटेंसेस है उनको बॉडी से बाहर रिमूव करेगा। नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी में मैसेजेस कैरी करेगा। स्केलेटल सिस्टम जो है बॉडी को सपोर्ट देगा। तो ये बहुत सारे सिस्टम हैं और वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बिल्कुल आसानी के साथ और सही तरीके से रन करता है। ये था हमारे पास डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे लेवल्स हायर देन ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म बन गया तो उससे फिर अलग जो है और भी हाई लेवल्स है, जैसे पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, इकोसिस्टम है, बायोस्फीयर है। तो इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये एक छोटा सा स्केच है, एटम्स है जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल से बनते हैं, फिर एटम्स कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, सेल बनते हैं, फिर सेल्स ऑर्गेनेल्स से बनते हैं, फिर टिश्यूज बनते हैं, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है या इसको हम बॉडी सिस्टम कहते हैं, फिर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बन जाती है। तो ये हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। कल से इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर ये डिस्कस करेंगे।
अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेगा। जी किसी का कोई क्वेश्चन। अच्छा यमुना अली जी, यमुना अली सरोज जान। सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर टिश्यू जरा समझाए। टिश्यू। अच्छा टिश्यू इज डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स। टिश्यू क्या है? सेल्स की कॉम्बिनेशन है, सेल्स की एग्रीगेशन है। दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब। सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं, ऐसे सेल्स जिनका साइज शेप और उनमें जो ऑर्गेनेल्स का नंबर है वो सेम हो और एक खास जॉब परफॉर्म करते हैं, तो उस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स में म्यूसिफिल टिश्यूज और एनिमल्स में ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं। ये दो किस्म के टिश्यूज हैं और ये स्पेसिफिक जॉब करते हैं। जी इकरा। सर ये सेलुलोज जो है तो जी दोबारा क्वेश्चन पूछो। एक खराब। अच्छा जो फरहान। मॉड्यूल हमारे चलो ठीक है, बस कल से इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।